आज हम लोग शुरुआत करेंगे अध्याय 6 का और ये जो है किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ है, यानी किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो चैप्टर है इसकी हम शुरुआत करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल यानी वैद्युत सेल, और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, है ना, यानी शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो अगर हम कहते हैं कि वैद्युत सेल क्या है, जब हमारे पास ये प्रश्न आता है कि वैद्युत सेल क्या है, तो कहीं ना कहीं मन में जो है, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या घड़ी हो या रेडियो हो, इन सब की तस्वीर उभर आती है और हमें अंदाज़ा लगता है कि हम इन जगहों पर सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमने कभी ये सोचा कि सेल वास्तव में करते क्या हैं या उनकी संरचना क्या होती है? तो इसी पर आज हम लोग जो है काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आप सबके अनुभव, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको इतना जरूर अनुभव होगा कि सेल लगाने से कहीं ना कहीं उस ऊर्जा हमको मिलती होगी, जो हम जिस कंपोनेंट में लगाते हैं वो कंपोनेंट उस ऊर्जा का व्यय करता है और उसके बाद में वो कंपोनेंट हमारा चलता है। यहाँ कंपोनेंट का तात्पर्य है आपका रेडियो है, घड़ी है, रिमोट है, आदि चीज़ें। बात समझ में आई? तो सेल एक ऐसी होती है, आप परिभाषा पहले देखते हैं, इसकी डिफिनीशन अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी हो जाती है इसके काम के हिसाब से। इसका काम क्या है? विद्युत ऊर्जा देना। तो सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, देखो सेल में क्या रहता है, केमिकल भरा रहता है ना, अभी वो क्या रहता है उसमें, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब हम बाद में डिस्कस करें, लेकिन पहले हम इतना जानते हैं कि उसमें केमिकल भरा रहता है और उसके बाद में फिर रिएक्शन होती हैं, यानी उसमें अभिक्रियाएं होती हैं। केमिकल का मतलब क्या? रसायन भरा रहता है ना, और उसके बाद में उनके अंदर अभिक्रियाएं होती हैं और उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं जिस भी कंपोनेंट में हमने उस सेल को लगाया हुआ है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बात समझ में आया ना? सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब ये चीज हो गई परिभाषा। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जैसे सेल हम कहीं पर अगर लगाते हैं तो हमें जरूरी क्या होता है? जैसे हम किसी परिपथ में अगर हमने सेल लगाया, मान लेते हैं हमारे पास कोई ये ऐसे परिपथ है और इसमें हमने सेल को लगाया हुआ है, ठीक, ये मान लो बल्ब हम एक यहाँ पे जला रहे हैं और ये इस तरह से, अगर हमने किसी परिपथ में अगर हमने सेल को लगाया है, हालांकि हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसे थोड़ा सा शो कर दे रहे हैं, इस पर भी चूंकि चर्चा करनी है। अब ये आपका हो गया सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सेल को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अभी हम ये जो आप छोटा सा देख रहे हो ना, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी समझिए कि सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक। अब हमने अगर किसी परिपथ में सेल को जोड़ा है तो सेल करेगा क्या? सेल क्या करेगा कि विद्युत देगा, लेकिन ये कहना मतलब आपको जब पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से सही नहीं है, है ना, कि विद्युत देगा, ये तो सब लोग जानते हैं कि सेल लगाओगे परिपथ में विद्युत देगा, लेकिन आप अलग क्या बोलेंगे कि सेल जो है आवेश प्रवाह करने में मदद करता है। भाई अगर परिपथ में आवेश प्रवाह हो रहा है, मतलब आई आ बोलो या क्यू बोलो, तो अगर आवेश प्रवाहित होगा तभी तो विद्युत धारा बहेगी और तभी इसमें जो है ये आपका बल्ब जो है ग्लो करेगा, समझ रहे हो ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई कहीं पर कुछ भी बिना काम किए कुछ होता नहीं है, है ना, तो ऐसे ही यहां पर भी आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। अब अगर कुछ काम यहां पर करना पड़ेगा तो वो काम करेगा कौन? वो काम करेगी है आपकी सेल, आपका सेल जो है वही काम करता है। यानी किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह को अनवरत बनाए रखने के लिए सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, और या आप ऐसे कहिए कि सेल के द्वारा कार्य किया जाता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि सेल के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। उसी आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत होगी ना, तो वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? सेल से मिलेगी। इसीलिए जो है
सेल आपका ऊर्जा जब उसकी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, पुराना हो जाता है, तो सेल आपका खराब हो जाता है। और जो बैटरी भी होती है, बैटरी भी आपका क्या होता है, बैटरी कॉम्बिनेशन होता है ढेर सारे सेलों का, समझ रहे हैं ना। बैटरी क्या है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है, सेल एक 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 डिवाइस है, और जो बैटरी होता है वो कई सेलों को जोड़ करके एक बैटरी बनाई जाती है। इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि सेल की परिभाषा हो गई, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, पहली बात। दूसरी चीज ये होगी कि सेल के द्वारा किसी परिपथ में अगर आप सेल लगाते हैं तो सेल के द्वारा आवेश को प्रवाहित किया जाता है, इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सेल देता है, इसको भी बोल सकते हैं आप। और दूसरी चीज क्या कह सकते हैं कि जो सेल आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज हो गई महत्वपूर्ण। अब सेल की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे देखिए एक सेल का ऐसे प्रतीक बनाया हुआ है। ये जो है सेल में मुख्यतः क्या क्या चीजें होती हैं, तो सेल में सबसे पहली चीज तो ये है कि जो होगी ही होगी उसके बिना सेल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। पहली चीज है इलेक्ट्रोड, मतलब सेल में इलेक्ट्रोड तो होगा ही, अगर इलेक्ट्रोड नहीं है तो सेल बन ही नहीं पाएगा। फिर दूसरी चीज है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, ये चीज वैद्युत अपघट्य भी होगा, बिना उसके उचित नहीं होगी। अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो आपके दो तरह के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक। मतलब कि हर एक सेल में कम से कम दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको आप एनोड कहोगे और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको कैथोड कहोगे। मतलब ये दो चीजें तो अपरिहार्य हैं, अगर ये नहीं है तो सेल बन ही नहीं सकता है, बात समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेल में दो चीजें होंगी कम से कम, कम से कम क्या, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा वैद्युत अपघट्य। अब इलेक्ट्रोड टू टाइप के होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। और वैद्युत अपघट्य की बात अगर हम करें तो आप देखिए कि जैसे इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, एनोड और कैथोड जो होते हैं, ये दोनों एक तरह की प्लेटें होती हैं। एनोड और कैथोड क्या होता है, एक तरह की प्लेट होती है, और ये दोनों प्लेटें जो है एक केमिकल सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, एक प्रकार के केमिकल सॉल्यूशन में, मतलब रासायनिक घोल में डूबे रहते हैं दोनों प्लेट। और उसके बाद में उसी जो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, समझ रहे हो ना। वो वैद्युत अपघट्य कई तरह का हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का ये कि सेल में आपका इलेक्ट्रोड होगा, ठीक, और उसके बाद में वैद्युत अपघट्य होगा, और जो इलेक्ट्रोड होंगे वो आपके एनोड और कैथोड, ठीक। तो मुझे लगता है कि सेल आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ऑफ सेल क्या। आज हम एक शब्द और नया सीखेंगे, वो है विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल सीखेंगे। तो विद्युत वाहक बल और इसमें विभव में कहीं ना कहीं दोनों एक ही जैसे हैं, आपको लगेगा भी कि ये दोनों एक ही हैं, इसमें कैसे अलग है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। वो जो अलग है उसकी मतलब जो क्या क्वालिटी है उसको हम अलग से आपको अभी बता दे रहे हैं। तो जैसे देखिए विभव में क्या है कि विभव B बराबर आप जानते हो W बाई क्यू होता है ना। और आपको आज जो मैं बता रहा हूँ विद्युत वाहक बल जो है वो E बराबर क्या होता है, ये भी W बाई क्यू। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आप राइट हैंड साइड देखें दोनों का बराबर है, आपको होना चाहिए या आपके होना चाहिए कि आपके मन में यही होगा भी कि E बराबर V, बट ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है। यानी जो किसी भी सेल का पोटेंशियल होता है और उस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF यानी वैद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होता है, मतलब कभी कभी होता भी है लेकिन ना के बराबर मान के चलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब वो किस बात पर निर्भर करता है वो अभी अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल है क्या ये चीज आप जानिए, सही से इसको समझिए। जैसे हमारे पास हम एक मानते हैं कि हमारे पास एक ये
सेल है, ठीक। ये कुछ है, आपका ड्राई सेल जैसा था है ना, और ये हम लोग कुछ बनाएंगे लेक्लांसे सेल के जैसा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये विद्युत अपघट्य है, ये क्या है विद्युत अपघट्य है। अब यहाँ पर हम दो प्लेटें लेंगे, क्या लेंगे दो प्लेटें लेंगे, एक आपका जो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, यानी जिसको आप एनोड बोलोगे, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और एक लेंगे हम कैथोड, ठीक, जो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये दोनों प्ले, बस ये सेल बन गया। सेल के लिए क्या करना है आपको, एक वैद्युत अपघट्य लेना है, चाहे जैसा वैद्युत अपघट्य हो, ठीक है, और उसके बाद में दो प्लेटें लेनी, दोनों को उसमें डुबा देना है, और दोनों से एक एक तार निकाल करके कहीं भी आप यूज करना शुरू कर देंगे। आप वोल्ट मीटर से मापेंगे, कुछ ना कुछ आपका जो है वो पोटेंशियल आपको दे रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये आपका सेल तैयार हो गया। अब इस सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमको समझना है, विद्युत वाहक बल समझना है। तो क्या होगा कि अगर इसको हम किसी परिपथ में लगाएंगे, अगर हम इस सेल को किसी परिपथ में लगाएंगे, तो हमको क्या होगा, यहाँ से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, हाँ, और आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आवेश का प्रवाह होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से तार में से होकर के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे टर्मिनल से मतलब तार से होकर के दूसरे टर्मिनल में आकर के प्रवेश कर जाएंगे, है ना, कुछ ऐसा ही तो होगा। मान लीजिए आपने इस सर्किट को यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे आपने ऐसे बल्ब लगा दिया है और ये चीज है, ठीक, ऐसे। तो अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल करके ऐसे फ्लो करते हुए इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब कहाँ, ऐसे थोड़ी ना कि ये अगर सर्किट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप करंट फ्लो होती, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जमा होते रहेंगे और करंट आपका फ्लो होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इस प्लेट से निकलते हैं, इधर आते हैं, इधर से फिर इस प्लेट से होकर के फिर इसमें से होकर के फिर इस ऐसे इस तरह लगातार प्रोसेस, मतलब एक कंप्लीट साइकिल होती है। सर्किट जो है कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, अगर कहीं पर सर्किट ब्रेक हो जाता है, आप मान लीजिए कुंजी लगा देंगे, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब एक कंप्लीट साइकिल होती है, बंद परिपथ होता है। अब अगर यहाँ पर आवेश को प्रवाहित करना है, तो आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आवेश को प्रवाहित करने के लिए आप जो है जो भी आपको ऊर्जा चाहिए या जो कार्य करना पड़ेगा वो सेल के द्वारा किया जाएगा या बैटरी के द्वारा आपका किया जाएगा। सेल के द्वारा ही किया गया कार्य जो होगा, तो जो आवश्यक ऊर्जा होगी, ठीक है ना, वही कहीं ना कहीं आपका क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अब देखिए उसको समझते हैं इस तरह से। तो मान लीजिए यहाँ से जितनी एनर्जी निकल रही है, यहाँ से जितनी एनर्जी निकल रही है वो सारी की सारी जो है आवेश को प्रवाहित करने में व्यय हो रहा है, हैं, यानी किया गया कार्य करने में व्यय हो रहा है, कार्य करने में व्यय हो रहा है। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है, विद्युत वाहक बल में और क्या नाम है विभव में, तो उसको भी हम देखते हैं यहीं से कि जब आवेश यहां से प्रवाहित हुआ, तो जो हम यहां पर अगर कहीं पर वोल्ट मीटर लगा कर उसको मेजर करें कि कितना वोल्ट हमको प्राप्त हो रहा है, कितना वोल्ट हमको प्राप्त, मान लो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बताएगा ना कि कितना पोटेंशियल है यहाँ पर, ठीक। तो उस स्थिति में अगर यहाँ पर पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो हम जो है यहाँ से पता कर लेंगे कि कितना वोल्ट हमको सप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद में दूसरी चीज क्या है, जो भी ऊर्जा मतलब यहाँ से लग रही है आवेश को प्रवाहित करने में, उसका कुछ हिस्सा, देखिए यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर तार जुड़े हुए हैं दोनों इस प्लेटों के बीच में, नीचे नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों प्लेटों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसके बीच में विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, और विद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब ये विद्युत का चालक होगा, ठीक है, ये विद्युत का कंडक्टर होगा। लेकिन कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, वो सुपर कंडक्टर नहीं होगा, है ना। सुपर कंडक्टर की खासियत हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस की थी कि उसमें जो रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ऐसा कोई भी विद्युत अपघट्य नहीं होगा जिसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, और इसके अलावा उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो रेजिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, तो यहाँ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसका कुछ हिस्सा ये नष्ट हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि प्रतिरोध लगा है, और वो किस रूप में नष्ट होगा, उष्मा के रूप में। यही कारण होता है कि बैटरियाँ जो है जब आप उपयोग करना शुरू करते हो तो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है बैटरियों में या सेलों में कोई भी कंपोनेंट आप यूज करोगे ना, वो गर्म हो जाएगा। कारण क्या है,
उसका कारण यही है कि जब भी आप उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, बस यही, इसी को कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसी में काफी ऊर्जा सेल की खुद की ऊर्जा अपने अंदर ही नष्ट हो जाती है। ठीक, तो जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उतनी ही ऊर्जा जो है, जो सेल का पूरी ऊर्जा है, यानी सेल का जो पूरा ऊर्जा है, उसमें से यही जो यहाँ पर ऊर्जा नष्ट हो गई है, इसी ऊर्जा को अगर हम घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है क्या? पोटेंशियल मिल जाता है। और अगर हम इसी पोटेंशियल में इस चीज को जोड़ देते हैं, आंतरिक प्रतिरोध में जो ऊर्जा व्यय हो रही है, तो हमको मिल जाता है विद्युत वाहक बल मिल जाता है। बात समझ में आया? तो विद्युत वाहक बल में और इन दोनों में क्या अंतर है कि जैसे विद्युत वाहक बल जो होगा वो सेल के द्वारा दी गई कुल ऊर्जा होती है, यानी आवेश प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वो सारा कार्य होता है या सेल द्वारा दी गई सारी ऊर्जा होती है। लेकिन सेल का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है और सेल के इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल स्वयं ही कुछ ऊर्जा का क्या कर लेता है? उपयोग कर लेता है, जो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक, और उसके बाद में जो प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा बचती है, उसी को क्या कहते हैं? सेल का विभव कहते हैं, उसको कहते हैं सेल का विभव। सेल का विद्युत वाहक बल तो ये है भाई, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल की संपूर्ण ऊर्जा। आवेश को आप यहां से परिभाषा भी आप निकाल सकते हो कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो क्या होगी, वही होगा सेल का विद्युत वाहक बल। जैसे यदि यहां पर कहो क्यू बराबर एक कूलाम, क्यू बराबर क्या कहो? एक कूलाम। तो E बराबर क्या हो जाएगा? W। E बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो आप यहां से कहोगे कि एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा या सेल की आवश्यक ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा भी आप बोल सकते हो, है ना, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, है ना, उसी को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देखो, अब अगर एकांक आवेश आप प्रवाहित करोगे यहां से, मान लीजिए आप एकांक आवेश यहां से प्रवाहित करो, तो ये आवेश ऐसे घूमता हुआ यहां पर आएगा और फिर इसमें से होकर के यहां पर ऐसे, मतलब तब कंप्लीट होगा। तो क्या होगा कि वो संपूर्ण ऊर्जा पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो है आपका ये लगेगा विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर यहाँ पर जो ऊर्जा नष्ट हो जा रही है, बैटरी को जो यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो यहाँ पर काम करना पड़ रहा है, वो ऊर्जा यहाँ पर कुछ नष्ट हो जा रही है। अगर यही चीज ना होता, यहाँ पर कोई तार होता और उसका प्रतिरोध बहुत कम होता, तो क्या होता कि ये इलेक्ट्रो जो है ये इसका उस सेल का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कहने का ये कि जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होगा उसका विभव अधिक होगा, है ना, यानी जो हमको ऊर्जा मिलेगी बाहर वो हमें ज्यादा मिलेगी। बात समझ में आया?